तो फिर पढ़ने को मिल जाती है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ा अपडेट कि दूसरे दौर की नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू होगी। आपको पता है आप सभी को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एक बार फिर नामांकन शुरू हो रही है। सेकंड फेज की इस नामांकन प्रक्रिया को पाटलिपुत्र वीवी प्रशासन ने स्पॉट एडमिशन प्रोसेस बताया है। इसके तहत पीजी स्तर के रेगुलर और वोकेशनल दोनों प्रकार के पाठ्यक्रम में नामांकन होगा, जबकि ग्रेजुएशन स्तर के वोकेशनल पाठ्यक्रम में आप नाम एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए वीवी प्रशासन ने आवेदन की तिथि पहले ही जारी कर दी थी। शुक्रवार को आवेदन की तिथि समाप्त हो गई। इससे पहले फर्स्ट फेज में इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के जरिए नामांकन हुआ है, लेकिन अब सेकेंड फेज में ओपन मेरिट लिस्ट जारी होगा, यानी स्पॉट राउंड के थ्रू होगा। इसमें न अंक मायने रखेंगे, न ही आरक्षण की पॉलिसी लागू होगी। पर पाढ़े हुए कल जारी होगी पहली सूची। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दूसरी दौर में नामांकन के लिए 4 मेधा सूची जारी करने का निर्णय लिया है। फिर जैसे सूची जारी होगी, जैसे भी अपडेट आएगा प्रोसेस, मैं आपको उसका फुल डिटेल अपने वीडियो पे दूंगा, तो उसके लिए हमारे चैनल से बने रहे। अभी तक फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मनुक मिल जा रहा है कि यहाँ पर पाटलिपुत्र वीवी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर वीके मंगलम ने बताया कि इस फेज में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना भी आवश्यक नहीं है। बता सभी का जिनका भी एग्जाम छूट गया था, सीटी दे नहीं पाए थे, तो उनके लिए भी सबसे आखिरी मौका एडमिशन लेने का। प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले विद्यार्थी भी इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। पहली सूची 7 मार्च को जारी होगी, उसके बाद दूसरी सूची 13 मार्च को होगी, तीसरी सूची 19 मार्च को होगी और चौथी सूची 25 मार्च को जारी होगी। तो फिर मैंने आपको एक बार रिकॉल करा दिया आपके अपने एडमिशन शेड्यूल को लेकर के, एडमिशन डेट्स भी बताया। एन कॉलेज बीसीए में 20% सीटें बढ़ी। पढ़ने को मिल रही एन कॉलेज में बीसीए विभागों की सीटों में 20% की बढ़ोतरी की गई है। इन कॉलेज राज्य का अकेला ऐसा कॉलेज है जिसमें बीसीए की 120 सीटें हैं। पहले से ही निर्धारित 120 सीटों के अलावा पाटलिपुत्र वीवी प्रशासन ने 20 सीटें का इजाफा किया है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी प्रशासन ने का कहना है कि विद्यार्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए सीटें बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सीटों की बढ़ोतरी के फैसले के बाद अब इन कॉलेज के बीसीए पाठ्यक्रम में 2020 से 2021 में 144 सीटें पर नामांकन होगा। वाओ, हालांकि पहले फेज की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 144 में से सिर्फ 29 सीटें पर नामांकन हुआ है, शेष 115 सीटें अभी भी खाली है। उम्मीद है कि यूजी वोकेशनल के सेकंड फेज के नामांकन में इन सीटों पर नामांकन हो सकेगा। तो फिर ये था आज का अपडेट जो कि अभी भी आया था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से। वीडियो पसंद को लाइक करिए, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करिए। कोई मन में डाउट हो तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो फिर आज के सुन इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस।